नमस्कार दोस्तों, प्रेमा रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे डोसा। ये डोसा बनाने के लिए आप पूरी वीडियो देखा तभी समझ में आएगा कि ये साउथ का डिश कैसे बना। तो डोसा बनाने के लिए देखिए, मैंने चावल का आटा ले लिया है। इसी कप से मैंने 2 कप चावल का आटा ली हूँ और इसी कप से 1 कप उड़द दाल है। तो इसी उड़द दाल को मैंने भिगा दिया था 3-4 घंटा पहले। तो ये देखिए, उड़द दाल बिल्कुल फूल गई है। तो अब हम सबसे पहले उड़द दाल को पीस लेते हैं, आपको घोल बना लेते हैं। तो ये देखा, 1 कप आटा है और इसी कप से मैंने 1 कप ये आटा मैंने नाप के रखा था, 2 कप आटा और 1 कप उड़द दाल। तो उड़द दाल को हमने पीस लिया है। घोल बना लेती हूँ इसका, चावल के आटे का। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको करेंगे, नहीं तो ये गांठ बन जाएगा। पतला घोल बनाएंगे क्योंकि ये डोसा का है। हमारा ये घोल बन गया है। अब इसमें हम डालेंगे उड़द दाल जो मैंने पीस के रखी हूँ, बिल्कुल बारीक पीसी हूँ। ये देखो, बिल्कुल बारीक है, बहुत बारीक पीसते हैं इसको तभी जाके डोसा बनता है। इडली के लिए होता है तो थोड़ा मोटा रहता है तभी। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इसका मैनेजमेंट बराबर रहता है। बस 2 कप चावल, 1 कप उड़द दाल। हम बना रहे हैं चावल के आटे से। तो हम डाल देते हैं नमक। नमक देखा, थोड़ा ही नमक डालते हैं, ज्यादा नमक नहीं डालते हैं इसमें। तभी देखा, हमारा अच्छा से फेंट लिया है मैंने इसको, इतना पतला है। अब ये फूलेगा तब सवेरे फिर हम आपको दिखाएंगे कितना पतला करके बनाना है। अभी भी घोल बनाए, बड़ा बर्तन में बनाए, देखें इतना खाली होना चाहिए तभी जाकर के ये फूलेगा, तो एकदम ऊपर से आ जाएगा। इसको रात भर हम रखेंगे, 6-7 घंटा रखेंगे। इसके बाद हम ढक देती हूँ, सुबह फिर मैं बनाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी कि क्या पड़ेगा इसमें। अब 8 घंटा हो गया है, अब हम बैटर को देख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा फूल करके हमारा बैटर हुआ है, फूल करके एकदम ऊपर आ गया है। 8 घंटा हो गया, ये देखिए कितना अच्छा खमीरा बना। ये देखिए, ये डोसा का हमारे बेटर है। जब तक से पूरी तरह से खमीरा ना बन जाए इसका, तब तक से डोसा अच्छा नहीं बनेगा। तो आप देखें कितना अच्छा हमारा बन गया है ये। पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें हम 2 चम्मच पानी डालेंगे, छोटा चम्मच से। और इसमें देखिए थोड़ा सा हमने खाने वाला सोडा डालूंगी। अब इसको हम अच्छे से घोल लेंगे। जिस चम्मच से हमने पानी लिया था उसी चम्मच से थोड़ा सा तेल डालूंगी इसमें। अब इसको हम अच्छे से घोल बना लेते हैं। सोडा घोलने के लिए हमने गर्म पानी लिया है, ये हमने घोल बना लिया है। ये देखा, थोड़ा सा हमने डाला था खाने वाला सोडा, 1 चम्मच तेल और 2 चम्मच पानी में इसको घोल बनाया है। अब इसको हम डाल देंगे इसमें। अब इसको डाल करके फेंट लेंगे अच्छे से। अब इस घोल को हम अच्छे से मिला लेते हैं। एक खमीरा बहुत अच्छा आ जाता है इसमें। सोडा भी डालने के, जब बहुत ज्यादा खमीरा आता है तो सोडा भी डालने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। अभी थोड़ा सा हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, थोड़ा ही थोड़ा बनाएंगे हम। अब और बाकी हम स्टोर कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे, अगला दिन बनाएंगे। डोसा का जब भी आटा बनाए आप, इसका पतला ही होता है तभी जाके अच्छा बनता है। अब इसको हम स्टोर कर देते हैं। अभी देखो, अभी हम थोड़ा सा ले ली हूँ, जितना हमको चाहिए उतना ले लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे, ज्यादा पतला नहीं करना है। इसी तरह हम इसको फेंट लेंगे। इडली का बेटर जो है थोड़ा मोटा होने से ही इडली अच्छी आती है, और डोसा बनाने के लिए इसका बेटर बहुत पतला होता है। देखा कितना अच्छा हमारा बेटर हो गया। अब ये बेटर हमारा तैयार हो गया डोसा के लिए। देखा हमारा तवा गरम हो गया है, अब इस पे हम तेल लगा लेते हैं पूरे में। तवा हमारा अच्छा से गरम हो गया है, हम आंच मीडियम रख कर दिए हैं। थोड़ा ही थोड़ा डालना है। अब इसी को फैला देना है इस तरह,
अब इसको होने देते हैं। ये जब हो जाता है तो अपने आप किनारी छोड़ देता है। अगर अच्छा डोसा बनेगा तो किनारी अपने आप छोड़ देगा। तो अब हम इसको देखिए पलटी करेंगे। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा जालीदार हमारा डोसा बना है। अब इसे हम दूसरी साइड में चेक कर लेते हैं। जब ये हो जाता है, अच्छा डोसा बनता है तो अपने आप छूट जाता है। कितना अच्छा जाली बन गई है हमारी। नारियल का चटनी और सांभर के साथ डोसा खाएं। हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखा, एकदम पतला भी है और कुरकुरे भी है। कितना अच्छा डोसा हमारा ये बना है। अब इसे हटा लेते हैं, हम पानी का छिट्टा मार देते हैं। इसके बाद तेल लगा देंगे। चेक कर लेते हैं। अब इसको भी देख लेते हैं। जब भी हो जाता है साइड से छोड़ देता है। ये देखिए पीछे साइड में भी हो गया है। जब भी बनाए तावा पर, जब नहीं अच्छा निकलता है तो थोड़ा थोड़ा पानी का छिट्टा मार दें तावा पर, इसके बाद बनाएं। तो चलिए अब हम शो कर लेते हैं। ये डोसा तैयार हो गया है। ये डोसा साउथ का डिश है। इसको सांभर और नारियल की चटनी के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको भी मेरा ये सांभर और डोसा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी जो भी नई रेसिपी हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।